हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दक्षिणी दिल्ली उम्मीदवार राघव चड्ढा जी। आप लोग आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर आए हैं, दिल्ली पुलिस से मिले हैं, क्या मुद्दा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। उसी के चलते जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी को चंदा देता है चुनाव लड़ने का, उसको भाजपा की जांच एजेंसियां बुलाकर हड़काती हैं, धमकाती हैं और कहती हैं कि आम आदमी पार्टी को चंदा मत दो। और आज जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े जितने भी वेंडर्स हैं, आज उनको पुलिस मुख्यालय बुलाया हुआ है और स्पेशल कमिश्नर उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, उन्हें हड़का रहे हैं, उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं। दिल्ली में हुआ क्या है? दिल्ली में 30 लाख से अधिक लोगों का नाम मतदाता सूची से भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काट दिया गया। 30 लाख से अधिक लोगों का नाम, यानी कि आपका वोट डालने का संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया। अब जब उनकी सूची चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाली, जिन लोगों का नाम काटा गया वो सूची आम आदमी पार्टी ने निकाली। अब आम आदमी पार्टी जब उन लोगों तक पहुंच रही है, उनसे बात कर रही है और उन्हें बता रही है कि भाई तुम्हारा वोट काट दिया है, हम बनाएंगे तुम्हारा वोट, तो इनको मिर्ची लग रही है भाजपा वालों को। भाजपा वालों को दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 30 लाख लोगों का नाम कटवा दिया। आपका आरोप है कि दिल्ली पुलिस उन वेंडर्स को बुला के इंटेरोगेट कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है, तो अगर वो कुछ सच जानना चाहे उसके पीछे का, तो क्या आपको क्या दिक्कत है उससे? नहीं, बिल्कुल जानने की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें जुर्म क्या है? दिल्ली पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी तब किसी प्रकार की जांच करेगी जब देखेगा भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई जुर्म है, कोई अपराध हो रहा है। इसमें अपराध क्या है? वोट काटना अपराध है कि वोट जुड़वाना अपराध है? हम तो वोट जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रहे हैं। वोट काटना अपराध है कि वोट जुड़वाना अपराध है? हम जुड़वा रहे हैं उसको अपराध कह रहे हैं। जो लोग काट रहे हैं उनको बाइज्जत बरी किया है, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बढ़िया जी बात। अगर आप लोग चुनाव अधिकारी से भी मिले थे, दिल्ली के जो चुनाव अधिकारी हैं, उनसे क्या आश्वासन मिला था? आप लोग बोल रहे थे लगातार चुनाव अधिकारी से मिलकर ये बातें रख चुके हैं, सार्वजनिक पटल पर रख चुके हैं कि लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं प्रयास कर रहे हैं कि उनका वोट डालने का संवैधानिक अधिकार की हम पुनर्स्थापना कराएं, और वो हमारा प्रयास है, हम कराएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इसे इनकार करते रहे हैं कि लोगों के नाम ही नहीं कटे हैं, तो फिर भाई तो चुनाव आयोग से पूछिए ना कि अपनी वेबसाइट पर जो लाखों लोगों के नाम डाले थे, कि इतने लाख लोगों के नाम हमने मतदाता सूची से काट दिए, वो क्यों डाले थे, वो कौन से नाम थे, और जब आम आदमी पार्टी ने ये अभियान शुरू किया तो वो नाम क्यों हटा दिए, वेबसाइट से क्यों हटा दिए, डर के मारे हटा दिए कि कहीं चोरी ना पकड़ी जाए, पूछो चुनाव आयोग से। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें पूरी सूची दिखाई थी, मैं तो और नाम दिखाया था, तो फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं मान तो रहे हैं? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सूची रखी थी और कहा था ये नाम है जी लाखों, जो चुनाव आयोग ने गैर कानूनी ढंग से काटे हैं, इनकी जाँच होनी चाहिए। हमने तो पूरी जाँच की मांग करी थी, ना जाँच हुई, बल्कि जो बेचारे संवैधानिक अधिकार को रिस्टोर करने में लगे उन लोगों को पकड़ के आज बुला लिया। तो आज दिल्ली पुलिस, आपकी क्या बात हुई और इस मामले में कहां तक बात हुई? कोई बात नहीं हुई, हम तो इसलिए आए हैं कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो जानने आए हैं। थे राघव चड्ढा, इनका आरोप है कि जो लोग इनके लिए प्रचार कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग लिए गए थे पार्टी के द्वारा, उन लोगों को दिल्ली पुलिस पकड़कर अब हैरेस कर रही है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से निरंजन मिश्रा, ETV भारत।